अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है दी अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। दिल्ली, पंजाब, मुरादाबाद, मेरठ, बिहार और अब दूसरी बार इंदौर। बड़ी खबर इस वक्त इंदौर से आ रही है। यहां पर एक बार फिर स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला हुआ है। विनोबा नगर में सर्वे टीम पर चाकू से हमला किया गया। आपको बता दें, बीच बचाव में आए पड़ोसियों को भी चोटें आई हैं और यहां पर ना सिर्फ स्वास्थ्य कर्मी थे बल्कि आशा वर्कर्स भी यहां पर गई थी। सर्वे टीम में डॉक्टर्स, टीचर्स, पैरामेडिकल और आशा कार्यकर्ता शामिल थे। ये मामला इंदौर से दूसरी बार सामने आया है जहां स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया गया। पहले भी हमने आपको बताया था और दिखाया भी था कि कैसे डॉक्टर्स को इंदौर में दौड़ा दौड़ा कर मारा गया था। हमले के बाद सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने पलासिया थाने में जाकर FIR दर्ज करवाई। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि सैंपलिंग के दौरान एक व्यक्ति वहां खड़ी महिला स्वास्थ्य कर्मी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। उसके बाद महिला स्वास्थ्य कर्मी पर हमला भी कर दिया। बताया जा रहा है कि हमला करने वाला शख्स इलाके का गुंडा है। सर्वे इंचार्ज आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रवीण चौरे ने इस घटना की पुष्टि भी की है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए फुल फाइट टीवी।